उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी का घर प्रशासन ने बुधवार सुबह बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल और डीजे के साथ घर गिराने पहुंची। कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौक इलाके की दुकानों को खुलने नहीं दिया है। टीम ने सबसे पहले आरोपी अदनान मंसूरी के घर को खाली करवाया है, फिर बुलडोजर चलाया। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान मुनादी का नियम है, इसलिए डीजे लेकर आए थे। आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को भी तोड़ा है। तीन लड़कों ने थूका है और कुल्ला करके पानी भी फेंका था। मामला सोमवार शाम 6:30 बजे का है, जहां सावन का दूसरा सोमवार था। भगवान महाकाल की सवारी के दौरान टंकी चौक मार्ग स्थित बिल्डिंग से तीन लड़कों ने थूका और कुल्ला कर पानी फेंका था। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक बालक समेत तीन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। बालक आरोपी को मंगलवार को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेजा जा चुका है। दो नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। जैसा कि विदित है, पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया, आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का, डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। सर, आरोपी कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जिन्हें कोशिश की थी, उनके खिलाफ में आज ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंडा गली के यहाँ भी एक मकान चिन्हित हुआ है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है नहीं? जैसा कि हम लोगों ने सारी जानकारियाँ नगर निगम को दे दी गई थी और नगर निगम की टीम द्वारा आज जो मकान चिन्हित किया गया था, जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है।